Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Son comedias, una idea de Netflix, que hay que aparecer de aquí llega, hasta como en un grupo de cada Netflix, hay que aparecer de aquí llega. Que son comedias, una idea de ayer, para los 19 días. Si no hay día, lo que hace mi hostia la parroquera, que yo vaya, 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 la roba el peque, la que es de hijo, dos días, me hagan, para que hagan, que a todos los hombres que van a dar en la crisis, que aquí no puede ser aquí. Hola, hermano. Que a todos los hombres que van a dar en la crisis, que aquí no puede ser aquí. A todos los hombres que no se van a dar en la crisis, los brazos no se van a llegar. Muchos que aquí no puede ser aquí, 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 que aquí no puede ser aquí. Sin papeles, va a dormir que no hay ni que irme a las ramas. ¿Cómo andes? ¿Para qué es eso, Rafael? ¿Tú no me vas? ¿Tú no me vas? ¿Ya tú puedes llegar a la vida? No, 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 no,
जगह मानी को सौ सौ रुपए वाली चीज हमने खरीदी है तो हम लोग यही देखते अगर 80 रुपया आता थोड़ा थोड़ा हो जाए फिर हम करते हैं और थोड़ा नीचे आ रहा है 60 रुपया आ जाता है मैं अपने घर खड़ा हो जाएगा कम से कम 80 आ जाएगा तो निकल जाऊंगा और वेट कर लेते हैं और वो नीचे आ रहा है 40 आ जा रहा है फिर बोलते हैं गया 40 आ गया आप क्या निकल जाएगा हम वो वही लॉक करके या तो रुक जाता है आपके फोन में जो है वो लॉक कर शहर पड़ा हुआ होता है या तो आपको फोन में लॉक करके निकलना पड़ेगा ठीक है ओवर इंटरनेटिंग बुकिंग कॉस्ट इसका मतलब ये है कि 100 रुपये वाली चीज अगर 110 रुपये हो जाती है ना तो निकलने की तैयारी में आ जाते हैं या 10 रुपये मिलने लगे 120 आ जाए तो और मान लो कि 150 आ जाए पक्के में हम वहां पे नहीं चल रहे सबसे पहले हम प्रॉफिट बुक करके निकल कर होंगे जबकि उस शहर को उस चीज को वहां पे 300 रुपये जान देंगे जान वाला लेकिन 50 रुपये अपनी तो लिमिट आ जाती है फिर वापस 180-190 पे रोकने की कोशिश करते हैं वापस 210 हुआ तो निकल जाते हैं और इस तरह से हम लोग ट्रैफिक में खड़े ही नहीं रहते और वापस सदन या तो लंबा मात्रा खड़े रह जाते हैं क्योंकि जिनमें जी बड़े बच्चों से नहीं आ रहे यह सब निशान चेक कर लेता हूँ क्योंकि अच्छे से आ रहे हैं अभी आज जी थोड़ा बहुत अपने एंड पर भी ट्रैकिंग चेक करके लीजिएगा ओके 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 तो मैं देख लेता हूँ ओके अब आ रही है क्लियर और चिन्मय जी हेलो क्या आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं आप लोग क्या आप मेरी आवाज क्लियर आ रही है हेलो अभी आ रही है ना क्लियर ओके थैंक यू तो मैं ये कह रहा था कि हम लॉक में तो लंबा खड़े रह जाते हैं और प्रॉफिट थोड़ा ना आते ही हम बुक करके भाग जाते हैं सब निकल जाते हैं फिर सारा जो ऊपर जाते हैं मारे तो हम लोग ये सोचते हैं यार बहुत जल्दी निकल गया थोड़ा खड़ा रहता तो अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाता हम लोग मानता हम बहुत सारे न्यूज का चला करते हैं सीएमबीसी देखते हैं ये देखते हैं वो देखते हैं अच्छा वो लोग गलत नहीं बोल रहे होते वो लोग न्यूज दे रहे हैं लेकिन इतनी सारी न्यूज सुनने के बाद हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मतलब हम खड़े रहना चाहिए निकल जाना चाहिए क्या करना चाहिए ठीक है कोई स्टॉप नहीं लगा ये बात तो शायद हर सेमिनार में हर वेबिनार में हर कोई आपको बता रहा होगा कि हम लोग स्टॉप ऑफ नहीं लगा रहे इसके कारण बड़ी बात आती है और उनका भी यही है एक्चुअली 100 रुपये वाले शहर में इनकी लंबी समझ में आपने तो निकल कर लेना चाहिए था 90 रुपये आए या 95 आए या 85 आए मेरी जो भी कैपेसिटी है उसके ऊपर आएगा तो मैं निकल नहीं जाऊंगा तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग खरीद करते हैं कवर हो जाए या दूसरी बड़ी सी बीमारी हम लोग खड़ी कर देते हैं एवरेज कर लेते हैं हम एवरेज करने में घुस जाते हैं 100 रुपये वाली आइटम हम 90 रुपये में ले लेते हैं 90 रुपये आता है तो वेट करते हैं 80 आ रहा है तो एवरेज करते हैं 60 आ जाए तो वापस और एवरेज करते हैं पता चला बड़ी बड़ी क्वांटिटी अपने पास खड़ी हो गई और एवरेज से तो काफी नीचे भाव चल रहा है तो इसके कारण भी अपने घर में लॉस होता है कोई पहले से प्लान ही नहीं है सब एक्सचेंज करनी है सब एक्सचेंज करनी है सब होल्ड करना है सब वेट करना है कोई प्लान नहीं है मतलब कोई आके बोलता है ना ये लेने जैसा बस एंटर कर लिया और सूरत की दूसरी मिनट तो कोई ऐसा बोला नहीं यार इसको क्यों घूम रहे हैं और एक बहुत गंदा है ये इतना तो ये है वो है
हराम ही चल जा रहे हैं तो अपना पहले तो कोई प्लान ही नहीं है अगर हमारे पास कोई शेयर पड़ा हुआ है तो हम होल्ड भी नहीं कर सकते 11 दिन तक तो एंट्री एग्जिट होल्ड वेट कोई काम नहीं है कोई ऐसा कहीं भी होता है कि जब हमको कुछ नहीं करना चाहिए आप सब मेरी बातों से सहमत हो जाए प्लीज कैट के ऊपर अप्लाई करते रहिएगा है ना हाँ थैंक यू पोस्ट टू स्क्वायर ऑफ द प्रोविजन हमने 50,000 रुपये डिपोजिट किए थे ब्रोकर के पास एक नोट नियुक्ति उठा ली दूसरे दिन नियुक्ति नीचे चली गई और वापस अपने को चेक भरने का आया तब तक अपने पास कहीं से थोड़ा बड़ा चेक था तो हमने भर दिया वापस दूसरे दिन और भी नियुक्ति नीचे गई और फिर भरने का आया तो फिर भी कहीं इधर उधर से उधार उधार रहे तो भर दिया और तीसरे दिन नीचे नीचे चले गए और पता चला कि सर आपको अपने पास इतना पैसा ही नहीं है तो वो ब्रोकर मांगने आएगा तो देना पड़ेगा और बाद में ब्रोकर क्या करते हैं उस पॉइंट पर हमने तो उठा के निकाल देता है अपनी पोजिशन स्क्वायर ऑफ कर देता है पहला माल छोड़ जा रहा है कैसा करता है हम उसके अंदर उसके बाद नाटक पहला घूमता है और फिर वो भगवान को बोलते हैं सारा भीत जगह पे हम निकले तो वही सबसे बड़े काम था तो ओवर लेवरेज के कारण हम लोग कोई ऐसे फालतू पोजिशन उठा देते हैं बिना प्लानिंग के या कोई स्ट्रॉन्ग पोजिशन भी उठा जाए तो पैसा भरने की ताकत में होने के कारण हम लोग डर जाते हैं प्राइस बार्गेनिंग में बहुत दुख है क्या 102 रुपये चल रहे हैं तो 101 रुपये लगा 102 में भी नहीं आया 103 और 104 चलने लगा सर 103 को फिर 50,000 मिल जाता फिर पता चला कि जिस पैसे अपने को लेना था 108 109 से निकलना था उसके कारण हम लोग उसकी जगह पर हम 107 लेने पड़े अल्टीमेट प्रॉफिट आया लेकिन ट्रांजेक्शन प्रॉफिट नहीं मिल गई सही बात है नहीं प्राइस बार्गेनिंग में भी अच्छा खासा अपना पैसा दे देते हैं दरअसल 101 और 102 चल रहा था तो 101 का एंट्री नहीं लेने के लिए ठीक है ना हायर एक्सपेक्टेशन लोअर डिसिप्लिन ये बहुत बड़ा रीजन होता है तो अपने को एक साल के अंदर पैसा डबल करना है एक्सपेक्टेशन तो ऐसी रखते हैं कि एक साल में अपने को 100% रिटर्न आना चाहिए लेकिन डिसिप्लिन के नाम पे देखे तो कुछ नहीं ना एंट्री की कोई डिसिप्लिन ना एग्जिट का कोई डिसिप्लिन ना कोई प्लानिंग ना कोई प्रिपरेशन और हम लोग निकल जा रहे हैं उस टाइम पे मतलब मार्केट का एक्सपेक्टेशन का ऐसे रहते हो मार्केट को ऑप्शन उसमें खासकर जो ऑप्शन वो तो ऐसा है मैं 2 दिन में डबल करके रख देता है पैसा तो वो 2 दिन में डबल करना है ना उससे ज्यादा डिसिप्लिन भी रखनी पड़ेगी सर ऐसी अपॉर्चुनिटी कम आती है अगर मानता हूँ तो 2 दिन में डबल हो गया पैसा लेकिन डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है पैसा को सिस्टम बनानी जरूरी है अब कार्ड का सोला रहना बंद कीजिए ये चीज को अगर आ रहे हैं तो भाई हमने 50 लोगों को यही चीज दी और हम देखता हूँ ये मार्केट चलेगा ही चलेगा ये सब लोग हमारी ऑफिस में जितने लोग बता सब इस ट्रिप के अंदर चले जा रहे हैं और मुझे भी इस ट्रिप में चलना चाहिए श्रेणी सर आप अपना दूसरा डिसीजन लीजिए कार्ड को सोला बंद कीजिए हो सकता है कि उसमें क्राउड समा जाए आप वो समझना कम हो जाए आपका लेकिन ऐसा भी होगा कि जिस दिन पूरा काम लॉस कराएगा तब आपने वो कर अच्छी खास है इसकी जगह अगर पहले से ही अगर आपने अगर बैंक अपने क्राउड को फॉलो करना बंद कर दिया और अपनी छोटी सिस्टम बना ली ना मैं मानता हूँ कि फिर आपको कोई नहीं बना सकता और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो है इमोशन या समय पर निर्णय पैसा भर दे
चलो फिर निकल जाएंगे, पैसा मिल रहा है निकल जाएंगे और फिर अभी निकल जाएंगे। अरे पेट्रोल लगाने के टाइम पर ही इन्वर्टर का है, 100 रुपए वाले लिया 96 में तो मैं निकल गया हूँ, 100 रुपए में खड़ा कर 96 काटा ना, 96.50 होने देना फिर निकलता हूँ, 94 आ जाता है फिर बोल रहे नहीं 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 क्या 94 आ गया 95 आ गया तो उधर फिर निकलता हूँ। अल्टीमेटली हम अंदर के अंदर चले जाते हैं, पासवर्ड बढ़ा देंगे और अपने इमोशंस के कारण हम ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारा रीजन हमने दूसरे मार्केट में ये सारे रीजन होते हैं जिसके कारण नॉर्मली पीपल पैसा बढ़ा करते खर्चा होता है, वो कैरी करते चलते हैं। क्या मेरे को सारे रीजन चाहिए, इसके अलावा भी आपके पास कोई रीजन है तो बताइए मेरे को, उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। ये सब लोग रहते हैं कि जो भाजपा जी सुनवाई की कई रुपए सुनाई पर कई रुपए भाई, प्लीज आप कौन मुझे इस कैप के ऊपर रिप्लाई कीजिएगा, क्या मेरा रिजल्ट सही है या नहीं है। हाँ सर थैंक यू, थैंक यू सुनवाई मैडम। तो इन सारे रिजल्ट को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, राहुल भाई प्लीज आप अपना है ना अपने आप को अनुरोध मत कीजिएगा, आप अपने आप को हिम्मत से रखिएगा, मैंने यहाँ सबको हिम्मत से रखा हुआ है, आपको अगर कुछ भी रिप्लाई देना है तो यहाँ पे कैसे दे दीजिएगा। तो प्लीज आप पार्टिसिपेट कीजिएगा, पार्टिसिपेट करने से मुझे भी ज्यादा मजा आएगा, आपको भी समय में ज्यादा आएगा। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं तो उसको और करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तो भाई हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए, हम उनको कोई ऐसी सिस्टम होनी चाहिए कि जिसमें हम लोग ने जो सारे के सारे रिजल्ट भेजे हुए हैं, ओवर लेवरेज, राइट लॉकिंग, ओवर एग्जामिनेशन, बुकिंग प्रॉफिट, लॉट ऑफ न्यूज, स्टॉक लॉस मैकेनिज्म, एंट्री एग्जिट का ध्यान नहीं है, ये सारे जितने भी हमने रिजल्ट देते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाए, उसको इग्नोर किया जाए। मतलब हम अच्छे से सॉफ्टवेयर लेके रखेंगे या अच्छे से शिक्षक बना कर रखेंगे, हमारे पहले से एंट्री एग्जिट सब फिक्स होगी, अच्छा इसमें हमारा प्रॉपर प्लानिंग भी होगा कि भाई कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करनी है, कब होल्ड करना है, कब वेट करना है, ठीक है। तो ऐसे कार्य के लिए हमें बहुत जरूरी है और उसके बाद हम उस सिस्टम को पांच डेटा के ऊपर टेस्ट करेंगे, पांच डेटा के ऊपर पहले थियोरी के डेटा का टेस्ट करेंगे, बाद में उसको हम लाइव मार्केट में फोन कर टेस्ट करेंगे और फिर रिव्यू करेंगे। लाइव मार्केट में हम लोग प्लीज आप अपने आप को म्यूट पे रखिएगा, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए, आपको जो भी टेंशन है कुछ भी है तो एक बार चैट के ऊपर रिप्लाई कीजिएगा। तो अगर हमने पांच डेटा के ऊपर टेस्टिंग किया होगा तो उसके कारण हम लोग उस टेस्ट को ज्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमको ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन का कोई टूल मिल गया यहाँ तब मजा आ जाए, मतलब सिस्टम को ही समझा दिया यहाँ पे एंट्री लेनी है, सिस्टम को ही समझा दिया यहाँ पे एंट्री करना है, सिस्टम खुद डिसीजन ले रही है, सिस्टम खुद उसको एग्जीक्यूट कर रही है, अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें अगर हमको मिल जाए ना यहाँ पे तो हमको मजा आ जाएगा, इस तरह से हमको एंट्री लेनी चाहिए, हमको
अगर हम लोग इसका जो प्रॉपर सिस्टम बना देंगे ना तो हम लोग ज्यादा फायदे में रहेंगे। चलिए एक काम करते हैं, मैंने एक सिंपल सा सिस्टम सोचा हुआ है। सबसे पहली बात ये सिस्टम को समझाने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये सिस्टम मैंने ऐसे ही कुछ भी सोच से करना लिया है, इसको आप एग्जीक्यूट करने से सोचना मत। अगर एग्जीक्यूट करना है तो आप अपने एक तो पहले इसको टेस्ट कीजिएगा, हो सकता है सिस्टम के अंदर लॉस आएगा। लेकिन मैं खाली और खाली आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिस्टम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सिस्टम में कैसे ट्रेडिंग को समझ सकते हैं, कैसे सिस्टम में ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये कुछ नियम बना लिए, सिस्टम का मतलब होता है नियम। यहाँ पर मैंने कुछ नियम बना लिए है कि भाई मैं निफ्टी में ही काम करूंगा, जो निफ्टी फ्यूचर पॉजिटिव में ऊपर लगाता है उसको ऊपर खुलेगा तो ही मैं एंट्री लूंगा। मैं खाली और खाली कॉल आपको नहीं एकदम नहीं करूँ, आपको उसको लॉन्च करूंगा। मैं निफ्टी फ्यूचर जब तक नेगेटिव नहीं खुल रहा उस दिन तक इसको होल्ड करूंगा। और जिस दिन निफ्टी फ्यूचर नेगेटिव खुलेगा उस दिन मैं अपने ट्रेड को क्लोज करूंगा। और इस टाइम पे एक ही ट्रेड करूंगा। मैंने खाली ये सिंपल सा नियम बना लिया, इसके ऊपर मैंने कुछ और लॉजिक नहीं लगाया। अभी तो मैंने इसमें सरकार की भी बात नहीं की है। ठीक है, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह से पहले हम एक सिंपल स्ट्रेटेजी को सिंपल से सिंपल टेस्ट करेंगे। हम टेस्ट करके ये समझेंगे कि मार्केट में हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को कैसे डेवलप कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम को कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सिस्टम को चेक करते हैं। इस सिस्टम को चेक करने से पहले मैं यहाँ पे एक पिन टेस्टर करके सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। और इस पिन टेस्टर सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं यहाँ पे जनवरी 2016 का मंथ ले लेता हूँ। सबका टेस्टर ओके, ये कोई एरर नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एलटीटी स्लॉट कर दिया जनवरी 2016 के दरमियान निफ्टी की जो लाइव प्राइसेज हुई थी वो मैंने यहाँ पे रख ली। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और एक्सेल में प्लॉट कर देता हूँ। अब सबको ये चीज दिख रही है ना अच्छे से, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि अपने को समझ में आए। ठीक है सीमा जी, ओके, थैंक यू सीमा जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर क्या चल रहा था, 7,900 चल रहा था। 1 जनवरी 2016 को निफ्टी फ्यूचर की जो क्लोजिंग आई थी वो 7,900 की आई थी। और ये एग्जैक्टली देख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे अपना 7,900 का कॉल अपना एडमनी हो जाएगा। ठीक है ना, तो देख रहे हैं इसको समझ रहे हैं। दूसरे दिन मार्केट टूट के खुला, अपने को एंट्री नहीं मिली। तीसरे दिन मार्केट वापस टूट के खुला, अपने को एंट्री नहीं मिली। हमारी क्या थी एंट्री की, एंट्री का रूल क्या था हमारा कि अगर मार्केट निफ्टी फ्यूचर पॉजिटिव खुलेगा तो ही हम एंट्री लेंगे। और यहाँ पे अभी भी निफ्टी फ्यूचर पॉजिटिव नहीं हुआ, 7,750 हुआ, अपने को एंट्री नहीं मिली। वापस 7 जनवरी को भी हम मार्केट 7,582 हो गया, निफ्टी टूट के खुली गया, अपने को एंट्री नहीं मिली। 8,305 को अपने को एंट्री मिली। सही है ना एवरीवन, तो 5 जनवरी को जब हम देख रहे हैं 7,605 चल रहा है,
ठीक है, नहीं है।
ये बता देने का हूँ, काफी कर ले जाऊँ और इसको मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ। ये हमारा सा डेटा आ गया, मैं इसको एक बार स्कैन कर देता हूँ और इसको वापस यहीं पे पेस्ट करते हैं। तो कोई भी डेटा मिला गड़बड़ मिला सारे पूरा वापस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मार्च को मैं अभी पेस्ट करने जा रहा हूँ, मार्च 2016 को, ठीक है। यहाँ पर मैं एंट्री एक्सिट लिख कर जाऊंगा। दूसरी मार्च को मार्केट ऊपर खुला 7300 का, मतलब अपने लिए 7300 का तो 7300 मतलब 7300 का हम लोग एंट्री लेंगे, 7300 7400 में एंट्री करेंगे। चलिए तो 7400 में मैं एंट्री लेने जा रहा हूँ और 120 रुपया मैंने 3 मार्च को चुका दिया, ठीक है। 2 मार्च को ये 2 मार्च सात हजार चार सौ का काम आए, ठीक है। 120 रुपया हमने चुका दिए। तीन महीने को मार्केट बढ़ गया, हमको खड़ा रहना था, हमको अगर नियम के हिसाब से हम सभी है जिस तरीके से मार्केट टूट के खुलेगा या मार्केट टूट के बंद होगा, दूसरे दिन अगर निफ्टी नीचे रहेगी तो हम लोग निकल जाएंगे। तो यहाँ तो 7400 के ऊपर मार्केट खुल है तो हम यहाँ पर हमको एडजस्ट नहीं कर पाए। और एक दिन निकला मार्केट अभी भी ऊपर है तो हम लोग यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। और एक दिन निकला 7452 मार्केट फ्लोर अगर टूट गया है तो हम इस वक्त जगह पे एग्जिट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एग्जिट का पेड़ लिख देता हूँ 8 मार्च को, तो 7400 का कल हम लोग सेल कर रहे हैं, तीनों रुपये में 150 हो गए। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे निकल जाए इसको, तो ये कैंसर क्यों आ रहे थे, हम इसको ऊपर से निकल रहे थे उसी तरह से 112 में क्यों निकल रहे थे। तो भाई यहाँ पे सिस्टम का यही फायदा है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग निकल गए तो हम 159 का ट्रेन नहीं देख पाते, हो सकता है ये 112 वाला आगे भी बढ़ जा सकता है। तो हमको हमारे सिस्टम के नियम के हिसाब से ही चलना है, नियम से बाहर नहीं निकलना है। तो आठ पांच साल आगे वहां निकलते हैं, आठ पांच में हमारी पोजिशन तैयार हो गई थी, ठीक है। प्रॉफिट लॉस कितना हुआ भाई, 35 रुपये का अपने पास प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब नया नई एंट्री बननी है, ठीक है। उसमें मार्केट वापस ऊपर होगा 7535, फॉर्म ऑफ 7500 वाला में एंट्री लेंगे, ठीक है। 135 रुपये में मिल रहा है हमको, तो यहाँ पर हम 7500 का कार्ड जारी करेंगे चौथी तारीख को 9 मार्च को, 7500 कॉल बाय कितने में बाइक है, 7500 में एंट्री मिल रही है, मार्केट ऊपर चल रहा है।
तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7,500 का सर मैं 135 रुपया बाई कर रहा हूँ, मतलब 135 रुपया उसको चुका रहा हूँ। मार्केट टूट गया, मुझे निकल जाना पड़ेगा, निकल जाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे बस मार्केट को और दस मार्केट, हाँ दस मार्केट को 105 रुपये में निकल जाऊंगा, ठीक है, 105 रुपये मिले। और इसका टोटल जो आता है वो इस तरह से, उनका यहाँ पर 3 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये पोजीशन के अंदर लॉस हो सकता है, ठीक है ना। खाली हम खाली यही देख रहे हैं सिस्टम को कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं। तो 11 मार्च को हम देखते हैं, तो 11 मार्च को हम क्या होता है, वापस मार्केट ऊपर खुलता है, वापस अपने को एंट्री मिलती है, वापस 7,500 के सौ में एंट्री नहीं है, ठीक है। 11 कैसे रहेगी, 1 मिनट, प्राइस 110 रुपये का बोल के मैं यहाँ 110 रुपये वापस चुका रहा। दूसरे दिन मार्केट ऊपर रहा, हम लोग कहीं नहीं गिरेंगे। तीसरे दिन मार्केट टूट गया, हम लोग निकलना पड़ेगा हमको। तो मार्केट टूट गया तो हम लोग यहाँ पर वापस एक सेल का सौदा मारेंगे, ठीक है। ये नगरी मार गई हमने 15 मारा, ठीक है, 7,500 का टर्म सेल किया हमने 90 रुपये में, तो हमको यहाँ पे 200 रुपये का, सॉरी 90 रुपये में हमने सेल किया, तो हमको यहाँ पे 20 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। वापस अगले दिन एंट्री मिली 16 तारीख को, वापस 16 मार्च को एंट्री मिली 7,500 पर सारा वही पढ़ाई करने पर आया था, क्योंकि एंट्री होनी वही है 104 रुपया में छुटा है। वापस दूसरे दिन हमको एग्जिट मिल गई, वापस वही हो रहा है, एक सारी कहा रहेगी अपनी 17 मार्च को, अब वापस मार्केट खुला ऊपर 18 तारीख को हमको 7,600 का कॉल में एंट्री मिल गई 72 रुपीज में, ठीक है। तो हम यहाँ पर 18 मार्च देखेंगे 7,600 का कॉल जारी करेंगे, कितने में एंट्री मिल रही है 72 रुपीज में, 72 रुपीज हम चुका रहे हैं। दूसरे दिन मार्केट ऊपर का हमको कुछ नहीं करना है, होल्ड करना है, और मार्केट ऊपर है होल्ड करना है, और मार्केट ऊपर है होल्ड करना है, ठीक है। अब मार्केट थोड़ा नीचे आ गया, आ गई थी अपनी 18 मार्च को, तो मार्केट ऊपर था 28 मार्च को अपने को वापस एग्जिट नहीं, तो 28 मार्च को मैं वापस एग्जिट कर रहा हूँ 7,600 के कॉल से, और यहाँ पर वापस मुझे जो लॉस होगा, ठीक है, वापस नीचे खुला मार्केट, कोई एंट्री नहीं, और दूसरे दिन तो ऊपर खुला, लेकिन उनके दिन हमने को लॉस हो गया, और सॉरी यहाँ पे 10 रुपये का लॉस हो गया। सर सर थैंक यू, भर दीजिए आपकी बात सही है, आप यहाँ पर एक्सपायरी आगे से लाते हुए हमसे एड्रेस का पावर भी नहीं खड़ा रहता है। दोस्तों मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम रिटेल रिटेल बेचने जाए तो हमको 42 रुपये का लॉस हुआ, लेकिन क्या हम ऐसे कोई सिस्टम डेवलप कर सकते हैं क्या? क्या हम यहाँ पर कैंडिडेट स्टॉक डिफाइन कर सकते हैं क्या? क्या हम कुछ ऐसा डिफाइन कर सकते हैं
तो भाई साहब जैसे ही मेरे को ये 120 में एंट्री मिली मैं नीचे 110 का टॉपलॉक लगा दूंगा ठीक है। फिर 140 होता है तो 140 होता है तो मैं वापस 130 का टॉपलॉक कर दूंगा। यदि 150 होता है 124 का टॉपलॉक कर दूंगा। तो अगर हम पहले से ही ऐसी हम लोग सिस्टम डिफाइन की होगी तो मेरा मानना है कि हम लोग अच्छे से इसमें ट्रेनिंग कर पाएंगे। आप तो इसमें नियम एड करके कोई ट्रेनिंग करके चेक करना चाहते हो क्या? छोटी सी हाँ बताइए भागव जी। उसको कहने का मतलब ये है कि अगर हम पहले से ही सिस्टम को डिफाइन करके चले पहले ऐसे सिस्टम को चेक करके चले ना तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं, हम बड़ी लॉस से आराम से बच सकते हैं। हाँ हो सकता है आपकी बात सही है बहुत बहुत क्योंकि एक्सपायरी नजदीक थी ना बड़ी जोर से पूछता है और उसी के कारण हम लोग लॉस करके खड़े हो जाते हैं। मैं दो बार चाहूंगी तुमने एंट्री नहीं दी ठीक है, इस चीज को हम यहाँ पे थोड़ा और चेंज करके चेक करते हैं। जब हमने यहाँ पे चाहूंगी तुमने एंट्री ली थी ना ठीक है, तब हम ये कर सकते थे कि चाहूंगी तू आते ही मैं 72 का टॉपलॉक लगा सकता। जैसे ही वो 72 हुआ मेरा टॉपलॉक 3 हो गए 72 हो गया, वैसे ही मेरा 92 हुआ 82 हो गया। वैसे ही अगर मैं वहाँ 147 के आते ही मेरा टॉपलॉक अगर 137 का हो जा रहा है तो क्या मैं प्रॉफिट में नहीं निकल पाए? पांडव जी सही बात है, क्योंकि हम एक्शन को लॉन्च कर रहे हैं और एकदम ओपनिंग हो रही है मार्केट, इसके कारण हम लोग सही बात है मार्केट एकदम ओपन हो जाए तो हम लोग एक्शन से लॉन्च करके खड़े रहते हैं। हाँ जी सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या हम पहले से ही ऐसी कोई चीज डिफाइन करके रख सकते हैं कि नहीं? मैडम जी सही बात है, तो हम लोग एक्सपायरी लिख से मैक्सिमम नहीं करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा ट्रेड हम एक्सपायरी लिख से एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे? क्या हम ऐसा सोच सकते हैं, हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो ट्रेड मैं देख रहा हूँ हर बार एक्सपायरी लिख के ऊपर मेरे को ब्लॉक आ रहा है, मैंने कल ही मार्च ट्रेड किया है, मैं दूसरे दिन उसको ट्रेड करूंगा और देख रहा हूँ हर बार एक्सपायरी लिख के ऊपर मेरे को ब्लॉक आ रही है तो मैं अपनी सिस्टम में डालूंगा भाई एक्सपायरी लिखते हो मेरे को ट्रेड करना ही नहीं है। मैंने यहाँ पर जो नियम बनाए थे ये टाटा जो भी नियम बनाए थे तो मैंने और एक नियम डालूंगा मेरे को एक्सपायरी लिखते करेंगे नहीं करेंगे। ये एक और नियम डालूंगा भाई 10 रुपए की टॉपलॉस तो मैं वैसे ही लगा दूंगा, मैंने यहाँ पर टॉपलॉस का नियम ही नहीं जाना। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिस्टम के साथ चलो तो बड़ी बात कभी भी नहीं आएगी। जिन चीजों के कारण लॉस आती है हमको वो सारी चीजें हम शुरू कर सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ सिस्टम क्या करते हैं, अगर हम सिस्टम पहले से डिफाइन हो ना तो हमने यहाँ पे जो ये जो जगह थे ना ये सारे के सारे हम दूर ही रखेंगे, इन सब चीजों से तो दूर रहेंगे जिसके कारण पब्लिक को लॉस होती है। हम ओवर लेवरेज लेंगे ही नहीं, हम उसी के अंदर काम करेंगे, पहले से ही वो ओवर लेवरेज का पैसा गिनते ही चलेंगे। हम लॉस में ऑलरेडी हमने स्टॉपलॉस लगाई होगी, हम लॉस में करेंगे ही लॉस में। प्रॉफिट का बुक करेंगे पहले से पता है, मतलब मेरी एंट्री एग्जिट होल्ड रेट सब प्लान अगर पहले से मेरा फिक्स है हमें ये सारी चीजों को आराम से चेंज कर सकता हूँ, मैं आराम से इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और जिससे रिव्यू में इसको एग्जीक्यूट कर सकूंगा उसका रिव्यू में और कोई चीज को एग्जीक्यूट नहीं करना हूँ। मैं इसका बात सुनूंगा उसकी बात सुनूंगा
उनका मेरे को यह बोला कि ये कंपनी अच्छी है और दूसरे किसी में आए ये बोल रहे हैं इस कंपनी का इतना बड़ा ऑर्डर था रिजेक्ट हुआ है तो मैं फंस जाऊंगा तो पूरा दिन मैं थोड़ी सी लॉस में भी निकल जाऊंगा ये बड़ी लास्ट आने वाला होगा तो भी मैं निकल जाऊंगा नंबर तो पहले करने का बात ही नहीं आएगा यहाँ पे सदा पहले से डिपेंड किया सारे चीजें जिसका मुझको मैंने उसको सुनी ही नहीं हाँ उसमें भी हमको अगर ऑटोमेटिक ट्रेनिंग की एंट्री मिल जाए या हमारे पास अगर कोई ऐसा स्कूल मिल जाए तो भाई ये मैंने सिस्टम बनाइए इसको अगर मैं तो जल्द डेवलप कर लूँ उस सिस्टम को मैं अनुभव में कन्वर्ट कर लूँ तो भाई कंप्यूटर खुद उसको सर्च करेगा खुद उसको स्टैंडर्ड खुद उसको एंट्री लेगा खुद होल्ड करेगा खुद उसको मैनेज करेगा खुद एग्जिट करेगा अब ये बातें बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ इन आइडियाज में हमने ऐसी चीजें डेवलप नहीं होगी इन आइडियाज में हमने ऐसी चीजें डेवलप की हुआ हमने ऐसा ऑल्सो डेवलप किया हुआ जिसके अंदर हमने इस तरह का सेंटर चार कर रखा हुआ और इस तरह का वो एंट्री एक्सेस करता रखा ठीक है सिस्टम का रिलीज क्या होना चाहिए एक तो वो छोटे सॉफ्टवेयर से निकल जाना है सॉफ्टवेयर में हमेशा खड़ा रहना चाहिए वो जो सिस्टम है वो पहले से ही पूरे अच्छे से ट्रैक की होनी होनी चाहिए पांच डेटा को अच्छे से टेस्ट की होनी होनी चाहिए क्या क्या डर होना चाहिए कहने का मतलब मैं खाली आपको दिखाने के लिए एक चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पे मेरे ही कैपेसिटी में कि हमने ऐसा क्या डेवलप किया हुआ तो हमने एक ऐसी अद्भुत स्ट्रैटेजी डेवलप की ये स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग क्लाइंट का अकाउंट अपने इनके ओपन कर रखे हैं और उस अकाउंट के अंदर हम लोग अल्गो के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं अल्गो रिजर्व के थ्रू ये पूरा का पूरा अल्गो रिजर्व हमने डेवलप किया हुआ है और वो पूरा का पूरा हमारे एंड पे चल रहा है क्लाइंट में उसमें कोई पेमेंट करना है मिनिमम 5 लाख या उसके मेडिकल में वो एडमिट कर सकता है इसमें हम लोग प्योर एंड प्योर इंटरनेट ट्रेडिंग करेंगे कैप्टन को खाली लॉन्च ही करेंगे फिर स्टॉक ऑनलाइन छोटे छोटे स्टॉक लॉस अगर करेंगे प्रॉफिट में हम पूरा का पूरा दिन खड़े रहेंगे इसका सिस्टम मैं आपको ये समझाता हूँ इस एक्सर को अच्छा समझाता हूँ थोड़ा आपको समझ में ज्यादा आएगा हमने इसमें क्या किया वन चैनल की टाइप ऑफ पैसा रखे हुए हैं जिसमें हम वॉल्यूम टोटल इंटरेस्ट वॉलेटिलिटी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी एक्शन के प्रीमियम फ्यूचर की प्राइस एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजों को हम यहाँ पे पैसा के अंदर डाले हैं उसके अंदर वो बेस्ट बेस्ट ऑप्शन को ढूंढता है इन पेजर के ऊपर और वो उसको लॉन्ग करता है इस तरह जो हमने इसे लॉन्ग करता है अच्छा ये सिस्टम में बना सिस्टम को हमने दे दिया है तो सिस्टम खुद उसके एंट्री के सौदे में ट्रांसफर देते ही एंट्री होती है एंट्री का कदर होता है और सीधे से सीधे सौदे का कदर लगा देता है 100 रुपये में एंट्री हुई सीधे से सीधे पानी के पानी वो 96 का सॉफ्टवेयर सदा देता है तो मैं आपको बता रहा हूँ विभिन्न सेकेंड अगर उसको स्टॉप लॉस मिल जाए वो निकल जाता है वो वेट नहीं करता है तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है मतलब 100 रुपये में एंट्री हुई 9 साल के 20 मिनट और 21 सेकंड का उसको एंट्री ली 100 रुपये में 9:20 और 22 सेकंड के अगर उसको स्टॉप लॉस लगता है तो वो 96 का स्टॉप लॉस लगता है तो वो निकल जाएगा खड़ा नहीं रहेगा 20 सेकंड वो एक्टिव कर पाता है क्योंकि वो कंप्यूटर खुद ट्रेनिंग कर रहा है हम लोग मैन्युअली ये नहीं कर सकते इसके बाद वो क्या करता है स्टॉप लॉस लगा देता है अब उसकी एग्जिट का प्लान भी उसको फिक्स किया हुआ है एग्जिट एट 3 PM एग्जिट की जगह तो मैं यहाँ पे 12 o'clock यूज करूंगा
मतलब तीन महीने कोविड का प्रभाव पड़ गया, वो एंट्री लेगा 9:20 को उसको एंट्री दी जाएगी तो मजा लेगा, या तो 7 बजे छोड़ेगी या तो 3 बजे तक वो खड़ा रहेगा, 3 बजे या तो छोटे लॉस में निकलेगा या तो अच्छा सा प्रॉफिट लेकर निकलेगा, प्रॉफिट में वो कभी भी एंट्री नहीं करेगा। और क्योंकि यहाँ पे इंट्रा डे है तो गैस ऑफ गैस हम ओपनिंग की बात ही नहीं आएगी, तो वो एंट्री के साथ हेड जी ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ऐसे उसके अलावा हम दूसरे भी इसको रूम भेजे रखते हैं, अगर इसमें से ज्यादा लोगों को तो इंट्रा डे में ट्रेडिंग भी नहीं करने की, इसमें से ज्यादा लोगों को पूरे वीक में ट्रेडिंग नहीं करने की, तो छोटे छोटे छात्रों का मैकेनिज्म हमने इस तरह से बना के रखा है और प्रॉफिट के अनुसार हम जिस छोटे बने रहते हैं, इस तरह से हम लोग इसमें ट्रेनिंग करते रहते हैं। मैं आपको बताऊँ की इस सब 6 महीने का रिजल्ट क्या हुआ, मैं अभी ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी ऐसी कोई स्ट्रेटेजी अपने इनके एजुकेशन सिस्टम और अपने इनके डेवलप कर पाओ ठीक है। जिन्होंने जुलाई 2016 को डोनेट किया 5 लाख रुपया, उनको हम जो चार्ज करते हैं 25 रुपया पर लॉट ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, वो 25 रुपया पर लॉट ब्रोकरेज चार्ज देने के बाद भी नेट उसको 1,40,000 का प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं एक्सपीरियंस रिटर्न ली हूँ तो 28% का स्टर्न है और एनुअलाइज रिटर्न ली हूँ तो 56% का था, यानी 1,40,000 प्रॉफिट बोल रहा हूँ ना कि 1,40,000 इंक्लूडिंग फंड, सॉरी 1,40,000 के फंड वाली बोल रहा हूँ, तो नेट 1,40,000 रुपये का प्रॉफिट है। अच्छा, क्योंकि हम छोटे छोटे स्टॉक में निकल जाते हैं तो होता यह है कि हमारे पास लॉस के दिन भी ज्यादा होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर नीचे का अगर टेबल आपको दिखा हूँ तो इन 6 महीने के अंदर जनवरी से दिसंबर 2016 में 103 दिन हर महीने लॉस डेली बेस पर, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि डेली बेसिस पर ट्रेडिंग होता नहीं है, ये उसको बहुत एंट्री मिलती है सब होता है। मैं आपको यहाँ पे वही दिखा रहा हूँ, होता है जब होता है तो 2 लॉट में भी काम होता है, होता है तो 1 लॉट में भी काम होता है, होता है तो 5-7 लॉट में भी काम हो जाता है इंट्रा डे, पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ सिर्फ से दिसंबर 2016 के दिन 123 रेट थे उसमें से 47 दिन की ट्रेडिंग होती है। अब आपकी अपेक्षा के विरुद्ध इस सिस्टम ने 73 डेज को लॉस किया है और 27 डेज ही हमने प्रॉफिट किया है, फिर भी हम 1,40,000 का नेट प्रॉफिट लेके खड़े हुए हैं। इसका रीजन यह है कि ये सिस्टम है छोटे स्टॉक से निकलना और प्रॉफिट में रिज्यूम करके खड़े हो। मैं आपको दिखाऊंगा उसमें हमने एवरेज 1 दिन का लॉस किया था 3,600 का, एवरेज लॉस लगभग 3,600 का था और एवरेज प्रॉफिट जो था वो लगभग 15,000 था। हमने 1,600 अगर हम मैक्सिमम लॉस किया तो 1 दिन में कभी भी 15,000 से ज्यादा का लॉस नहीं किया होगा। और एक बाकी अच्छा फिगर अगर मैं आपको बताऊं तो ये 1,40,000 का जो 6 महीने का प्रॉफिट हुआ था उसमें से सिर्फ 1 दिन का प्रॉफिट 63,690 का है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम प्रॉफिट में जिन खोल के खड़े रहते हैं शाम को 3 बजे तक खड़े रहते हैं तो 1 दिन ऐसा भी आता है जिस दिन हमको 64,000 का प्रॉफिट देने जा रहा है, मतलब 50% प्रॉफिट अलाउ मैं करूँगा लगभग ज्यादा मैं देखूँ तो 40% प्रॉफिट तो हमको एक ही दिन में मिला 6 महीने का। इसको हमने प्योरली प्योर एल्गोरिथम बेस पे ट्रेडिंग किया हुआ है, इसको हमने प्योरली प्योर सिस्टम बना के रखा हुआ है और उसी के ऊपर ट्रेडिंग किया हुआ है,
और हम ये साबित करके दे रहे हैं आपको कि इस सिस्टम का रास्ता कैसे खुला है। तो दोस्तों आप मुझे बताएं क्या आपको लगता है कि आप ये ऐसा कम सिस्टम डेवलप कर पाएंगे? हाँ सर, हाँ बताएं, मेरे को कैप्टन का रिप्लाई दीजिए प्लीज। यस सर, तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, आप अपने यहाँ से अपना होमवर्क खुद ले लीजिए कि भाई अगले दो दिन के अंदर मैं अपना खुद का एक सिस्टम डिजाइन करूंगा, उसको 5 किलोमीटर डेटा के ऊपर टेस्ट करूंगा और मैं आपको खुद का रिपोर्ट बनाऊंगा। ठीक है, आप अपने यहाँ से ऐसा कोई साथ ले लीजिए। मैं कहता हूँ कि अगर आप सिस्टम बेस्ड ट्रेनिंग करेंगे, सिस्टम बेस्ड ये स्ट्रेटेजी सर्च करेंगे और सिस्टम बेस्ड एंट्री ढूंढेंगे, इसमें काम में सिस्टम बेस्ड डायरेक्ट मीटिंग फॉलो हो सके सिस्टम बेस्ड। यस सही बात, ये बात भी एकदम सही है। तो अगर आपके पास ऐसा टाइम है कि भाई जिन पर हम वार्ड में बिजी रहते हैं, मेरा ये बिजनेस तो उसमें बिजी रहता है, तो भाई आप ऐसे लोगों को भी अप्रोच कर सकते हो जिन्होंने ऐसे कोई सिस्टम बनाए हैं। आप उनको अप्रोच कर सकते हो, उनको कॉन्टेक्ट करने के लिए मेरा नंबर यहाँ पे दिया गया है, या उनको एक ईमेल आईडी डॉट कॉम के ऊपर आप उनको मेल कर सकते हो। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह के ऊपर हम फुल्ली अवेलेबल है, तो उसके ऊपर आप हमको मैसेज कर सकते हो, कैंड कर सकते हो। मेरे चलने का मतलब यह है कि अगर आप खुद बना सकते हो तो बनाए, अगर नहीं बना सकते हो तो आप चाहते हैं कि लोगों को किसी को कॉन्टेक्ट करो। और हमारा काम यही पे आता है, जहाँ पे लोग लॉस करते हैं वहाँ पे हम लोग खड़े रहते हैं सिस्टम के थ्रू। ऐसा होता है नहीं बात, और ये बहुत ही अच्छी सी चीज है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप खुद अपना सिस्टम डेवलप करो, उसके अंदर प्रॉब्लम लगाओ, सब कुछ करो। इतना ही नहीं, अगर आप पर्सन पर ट्रेनिंग कर रहे हो तो बोलता ड्रामा भूगा सीधा रो उन सारी चीजों को भी फॉलो करो, इन सारी चीजों को भी आप मैनेज करो। अगर आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे वेबसाइट पर कर सकते हो, हमारे कोर्सेज को ऑफ कर सकते हो। तो मेरा यहाँ मार्केटिंग का मुद्दा नहीं है, मेरा मुद्दा यही है कि सिस्टम डेवलप करो और उसके थ्रू ट्रेनिंग करो। इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे प्लीज चैट के ऊपर पूछिए। यह ट्रैवल जी, चिन्मय जी, हेलो भाई, विमल भाई, तो भार्गव जी थैंक यू वेरी मच। आपने बेस्ट ऑफ लक पहुंचा आपको, क्योंकि आप खुद एक सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं और सिस्टम को आप चेक कीजिएगा, पहले टेस्ट कीजिएगा, थियोरी बेस पे टेस्ट कीजिएगा, लैंड मार्केट में टेस्ट कीजिएगा, बाद में उसके मार्केट में एक्टिवेट कर कीजिएगा। मेरे ये मानना है सर, ये सिस्टम डेवलप करना और उसको टेस्ट करना कितना जरूरी है, तो मैं इस लाइफ में हमेशा बोलता हूँ, जितना लता मंगेशकर और सात वकीला होने के बावजूद उनको बिहार की जरूरत पड़ती है, जितनी सचिन तेंदुलकर बोर्ड ऑफ क्रिकेट होने के बावजूद उनको मैच प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, उतनी ही जरूरत हमको सिस्टम डेवलप करके उनको टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। हर वो ट्रेटिंग कोई भी प्रैक्टिस से होना चाहिए, कोई भी प्रैक्टिस से उसके ऊपर इंटरनेशनल होना ही चाहिए और उसी के थ्रू हम लोग एक अच्छा सा सिस्टम, एक प्रॉपर एक तगड़ा सा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। ओके गौरव जी, तो आप अगर ऐसा कोई सिस्टम डेवलप किया है तो आप मुझे अपने मेरे नंबर के ऊपर कॉल करके बताइएगा, हम उसके ऊपर सबसे में डिस्कस करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन गौरव जी। ठीक है, तो ऐसे जल्दी भी अगर आपने सिस्टम डेवलप किए हैं, आप मुझे अगर आपने डेवलप किया है उसके ऊपर भी हमारे को यही जानना चाहते हो, आप मुझे इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो, यहाँ पर मैंने नंबर दिया है उसके ऊपर कॉल कर सकते हो,
हमारे जो यहाँ पे इंजीनियर की टीम है उसके ऊपर नहीं कर सकते हो, हम उसके थ्रू हम पूरा का पूरा सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू बाजो जी, सिमर जी, केवल भाई, जमन भाई, कृपेश जी, रमनवीर सिंह जी, राहुल भाई, राकेश भाई, स्नेहा मैडम, स्वामी मैडम, स्वामी जी, सबसे बड़ी थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर के ट्रेडिंग हमेशा प्रॉफिटेबल रहो, ऐसी शुभकामनाएं मेरी ओर से, फिर आइडिया की ओर से ऐसी शुभकामनाएं। हमारे ऐसे कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, हमारे ऐसे कंटिन्यूस बेसिस पर फिर लगेगा होते रहते हैं। आप इसको हमारी वेबसाइट या इवेंट कैलेंडर पर जाके चेक कर सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, एवरी वन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, मीटिंग को अभी नहीं कर रहा हूँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर।